आपकी सिम के पीछे का नंबर कैसे करवा सकते हैं आपका लाखों का नुकसान। एक ऐसा इंसान जिसे जेल में रहने के मिले 26 करोड़ रुपए। एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसकी कहानी सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। इस दुनिया के इतिहास में सबसे लकीएस्ट मैन कौन है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किससे कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 7, पीछे जो नंबर होता है वो केवल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और को पता चल गया तो वो उस नंबर से आपकी सिम का डुप्लीकेट बना सकता है और फिर आपके सिम से कनेक्टेड जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, पेटीएम अकाउंट्स हैं, सारा का सारा पैसा लेकर आपको नंगा कर सकता है। फिर आपको गांव जाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6, जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ था तो उस टाइम पर अमेरिका ने अपने सारे के सारे एयरप्लेन्स जो भी उसके ऊपर उड़ रहे थे सबको नीचे लैंड करवा दिया था, लेकिन उसके बाद भी केवल एक प्लेन था जो उड़ रहा था, और वो इसलिए उड़ रहा था क्योंकि उसके अंदर बैठा था एक ऐसा इंसान जिसके शरीर के अंदर जहर फैल चुका था और बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसे जल्दी से जल्दी प्लेन में बैठा कर सही जगह ले जाया जाए। लेकिन उस प्लेन की सुरक्षा के लिए उसके दोनों तरफ ऐसे फाइटर जेट्स घूम रहे थे। लग रही ना शानदार पिक्चर। फैक्ट नंबर 5, बात है साल 1996 की। अमेरिका के नीचे एक देश है डोमिनिकन रिपब्लिक, वहां से एक फ्लाइट जा रही थी जर्मनी के लिए। पायलट जब प्लेन चलाने के लिए बैठा तो जो स्पीड के इंडिकेटर्स होते हैं कि स्पीड कितनी है प्लेन की, वो सही से काम नहीं कर रहे थे। तो पायलट ने सोचा कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर जब कुछ समय के बाद प्लेन हवा में था तो जब उसने प्लेन को ऑटो पायलट पर डाला तो प्लेन का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो सही से काम नहीं कर रहा था और प्लेन इधर उधर घूमने लग गया, और फिर ऐसी प्लेन नीचे गिरता गया और फिर सीधे गया अटलांटिक ओशन में। जब इसके बाद जांच पड़ताल की गई कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ तो जो आंसर निकलकर सामने आया वो था मधुमक्खी। मधुमक्खियों ने जो प्लेन की स्पीड टेस्ट करने वाली ट्यूब होती है उसके अंदर अपना घर बनाया हुआ था, जिसकी वजह से पायलट को सही स्पीड का पता नहीं चल पा रहा था और उसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। इतनी छोटी सी चीज ने इतना बड़ा प्लेन क्रैश करवा दिया। फैक्ट नंबर 4, मिलिए फ्रेंड सिलाक से। ये है दुनिया के सबसे लकीएस्ट इंसान। ऐसा क्यों है बताता हूं, इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। बात साल 1962 की है। सिलाक ट्रेवल कर रहे थे यूरोप में एक ट्रेन के ऊपर बैठकर, तभी ट्रेन नदी में गिर जाती है, बहुत सारे लोगों की मौत होती है लेकिन फ्रेंड बच जाते हैं। इसके अगले साल फ्रेंड प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तभी प्लेन का कॉकपिट खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है और इस प्रोसेस में 19 लोगों की मौत हो जाती है, फ्रेंड दोबारा बच जाते हैं। और उसके बाद साल 1966 में फ्रेंड बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, बस पुल से नीचे गिर जाती है जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और सही समझा आपने, फ्रेंड दोबारा बच जाते हैं। और फिर इसके कुछ ही साल के बाद फ्रेंड ड्राइव कर रहे होते हैं पहाड़ियों पर, कार चला रहे होते हैं, तभी सामने से ट्रक आ जाते हैं और ट्रक से ना टकराएं इसलिए फ्रेंड गाड़ी को मुड़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। और फिर भी वो जब नीचे गिर रहे होते हैं तो वो पेड़ से लटक जाते हैं और जो उनकी कार होती है वो नीचे गिर जाती है, और इस बार भी आपने सही पकड़ा, फ्रेंड दोबारा बच जाते हैं। और इतनी बार मरने से बचने के बाद साल 2003 में फ्रेंड की लॉटरी निकलती है 7 करोड़ रुपए की। भाई साहब जिंदगी हो तो ऐसी, किस्मत हो तो ऐसी। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट बहुत ही शॉकिंग था। बात है यूके की, साल था 2015। एक मैरिड लेडी थी जिनका नाम था अमंडा प्लाइले। उनको एक दिन फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, ईमेल्स आने लगे और उनको धमकियां मिलने लगी। किससे? एक लड़के से जिन्हें उन्होंने अपने कॉलेज में डेट किया था। वो जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाती तो उनकी फोटोज खींच ली जाती और वो फिर उन्हीं फोटोज को अमंडा को भेजता और फिर उन्हें धमकाता। उन मैसेजेस में वो लिखता था कि मैं तुम्हें हर जगह देख रहा हूँ, तुम्हें हर जगह फॉलो कर रहा हूँ, मुझे सब पता है तुम जो कर रही हो। और ये लगभग 2 साल तक चला, जिसके बाद अमंडा डिप्रेशन में चली गई और वो एक टाइम पर आत्महत्या का भी सोचने लग गई। और फिर जब 2 साल के बाद पुलिस ने इस केस को क्रैक किया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो इंसान जो इन्हें 2 साल से परेशान कर रहा था वो उनका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो था उनका पति जो उनका बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा था। फिर जब पुलिस ने उसके पति से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि वो अपनी पत्नी को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कंट्रोल करना चाहता था, उस पर हावी होना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। और फिर कोर्ट ने उसके हस्बैंड को 3.5 साल की सजा सुनाई। फैक्ट नंबर 2, आप सब ने मिर्जापुर सीरीज तो देखी होगी और मिर्जापुर सीरीज का सबसे जो फेवरेट डायलॉग है, सबसे जो वायरल डायलॉग है वो है ये, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। आपको पता है जो डायलॉग है ये असली स्क्रिप्ट में था ही नहीं, पंकज त्रिपाठी ने ऐसे बोलते बोलते इस डायलॉग को बोल दिया और ये डायलॉग फिर इतना वायरल हो गया। फैक्ट नंबर 1, बात है साल 1975 की, यूएसए के क्लीवलैंड शहर की। वहां पे चोरी के दौरान एक शॉपकीपर का मर्डर हो जाता है और फिर उस मर्डर की वजह से सजा मिलती है 18 साल के रिकी जैक्सन को। लेकिन रिकी जैक्सन इस इल्जाम को एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं और मुझे गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर 39 साल के बाद साल 2017 में
यूएसए की कोर्ट ये बात मानती है कि हमसे गलती हुई थी, आप बेकसूर थे। लेकिन फिर रिकी जैक्सन का लॉयर सरकार से बोलता है कि आपने इसके 40 साल खा लिए हैं, उसका क्या। और फिर इसके एवज में यूएसए की सरकार, वहां की कोर्ट उसे 26 करोड़ रुपए देती है जो उसके साथ गलत हुआ उसके लिए। ऐसी इंडिया में भी बहुत सारे बेकसूर लोगों को सजा हो जाती है और जिसके बारे में बाद में पता चलता है, लेकिन फिर भी भारत की सरकार तो उन्हें कोई पैसा नहीं देती। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कमेंट्स में बताना। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो दो काम करो, पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।